बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह चले छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी अशांति में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक 76 वर्षीय शेख हसीना सोमवार को हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर भारत के लिए निकल गई। इस बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज का भी अंत हो गया। कुल 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया। शेख हसीना को दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है, लेकिन हाल के सालों में उन पर तानाशाही के आरोप भी लगे। 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुसलमान परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। वो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने 1971 में देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया और देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उस दौर में शेख हसीना स्वयं ढाका यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। 1975 में सैन्य तख्ता पलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया था। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बची थी, क्योंकि उस समय वो विदेश यात्रा पर थी। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता के राजनीतिक दल अवामी लीग की नेता बन गई। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की मांग की। इसमें उठे विद्रोह ने तेजी से शेख हसीना को राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। वो सबसे पहले साल 1996 में चुनकर सत्ता तक पहुंची। उन्हें भारत के साथ जल संधि करने और देश के दक्षिण पूर्व इलाके में विद्रोहियों के साथ संधि करने का श्रेय जाता है, लेकिन इसी समय उन पर कई सौदों में भ्रष्टाचार करने और भारत के अधिक प्रभाव में होने के आरोप भी लगे। आगे चलकर वो साल 2001 में अपनी राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP की बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गई। राजनीतिक परिवार की वारिस ये दोनों महिलाएं 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही। इन्हें बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। विश्लेषक मानते हैं कि इन दोनों महिला नेताओं की कड़वी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नतीजे में बांग्लादेश में बसों में बम धमाके हुए, लोग अगवा किए गए और गैर न्यायिक हत्याएं आम बात हो गई। हसीना साल 2009 में फिर से सत्ता में लौटी। ये चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में हुए थे। वो एक वाकई राजनीतिक सर्वाइवर हैं। वो कई बार जेल में रही और अपने जीवन पर हुए कई हमलों में जिंदा बच निकली। साल 2004 में हुए एक हमले में उनकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा था। उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रयास भी हुए और वो भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मुकदमों में फंसी भी रही। शेख हसीना के शासन वाला बांग्लादेश एक विपरीत तस्वीर पेश करता है। एक समय दुनिया का सबसे गरीब देश रहा मुस्लिम बहुल बांग्लादेश, उनके नेतृत्व में 2009 के बाद से विश्वसनीय आर्थिक प्रगति हासिल कर चुका है। अब बांग्लादेश इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक प्रगति के मामले में बांग्लादेश अपने विशाल पड़ोसी देश भारत से भी आगे निकल गया है। पिछले एक दशक के दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुकी है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक बीते 2 दशकों में बांग्लादेश में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सत्ता संभालने के बाद से शेख हसीना के सामने आया सबसे गंभीर संकट ताज़ा विरोध प्रदर्शन ही है। ये प्रदर्शन बेहद विवादित चुनाव नतीजों के बाद हुए हैं। विवादित आम चुनावों में लगातार 4थी बार उनकी पार्टी को चुन लिया गया था। इस्तीफा देने की बढ़ती मांगों के बीच शेख हसीना डटी हुई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की आतंकवादी कहकर आलोचना की। उन्होंने इन आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा था। ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की मांग से शुरू हुए थे, लेकिन ये व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। कोविड महामारी के बाद से बांग्लादेश लगातार बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है। महंगाई आसमान पर है, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है और 2016 के बाद से बांग्लादेश का विदेशी कर्ज 2 गुना हो चुका है। आलोचकों ने इसके लिए हसीना सरकार के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाए हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ उन लोगों को पहुंचा जो हसीना की अवामी लीग पार्टी के नज़दीक थे। आलोचकों का कहना है कि देश की तरक्की लोकतंत्र और मानवाधिकारों की कीमत पर हुई है। वो आरोप लगाते हैं कि हसीना के शासन में उनके राजनीतिक विपक्षियों, मीडिया और विरोधियों का दमन किया गया।
बांग्लादेश सरकार और शेख हसीना इस तरह के आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में बीएनपी के कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों को गिरफ्तार किया गया। कभी देश में बहुदलीय लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली नेता में यह उल्लेखनीय बदलाव था। बांग्लादेश में मानवाधिकार समूहों ने साल 2009 के बाद से सैकड़ों लोगों को गायब होने और न्यायिक हत्याओं को लेकर चिंताएं भी जाहिर की हैं। शेख हसीना की सरकार ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करती रही थी, लेकिन ऐसे आरोपों की जांच करने का इरादा रखने वाले विदेशी पत्रकारों की यात्राओं को भी उनकी सरकार रोकती रही।